बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज से जो है वो हमारे ग्रैंड क्विज स्टार्ट हैं और उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। इस वीडियो पे आपको तमाम ग्रैंड क्विज़ जो हैं उनके सोल्यूशन मिलेंगे। तो अब जो मैं ग्रैंड क्विज सॉल्व करने जा रहा हूँ वो है CS606 कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको स्टार्ट करते हैं। जी, आई कैन क्लिक ऑन दिस बटन। जी, क्वेश्चन नंबर वन है जिसमें वो कहता है हैंडल फाइंडिंग मैकेनिज्म इज़ द की इज़ एफिशिएंट टॉप डाउन पैरेसिंक, बॉटम अप पैरेसिंक, प्रेडिक्टिव पैरेसिंक के डिसेंट पैरेसिंक। जी स्टूडेंट्स, इसका जो जवाब है वो आप लोगों के पास है बॉटम अप पैरेसिंक। सेव करते हैं और नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। इन मल्टी पास कंपाइलर ड्यूरिंग द फर्स्ट पास इज गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट। इन मल्टी पास कंपाइलर फर्स्ट पास करेगा वो इंफॉर्मेशन किसके बारे में लाएगा? डिक्लेरेशन, बिल्डिंग, स्टैटिक इंफॉर्मेशन, सेमेंटिंग। मुझे डिक्लेरेशन लग रहा है, बट इसको चेक कर लेते हैं। फर्स्ट पास, डेफिनेशन कंट्रोल, फर्स्ट वन ड्रिप ऑर्डर लिमिटेड कोड। मल्टी पास कंपाइलर, थ्री पासेस इन कंपाइलर, रजिस्टर एलोकेशन और उसके बाद है जी मेमोरी एलोकेशन है, टोकन्स हैं, आइडेंटिफायर्स हैं। तो स्टैटिक इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ऑटोमेशन मैकेनिज्म कैन मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट विदाउट कंज्यूमिंग इनपुट बाय यूजिंग। ये थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का क्वेश्चन है कि जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है, जब आप मूव करते हैं मशीन को, तो ये कोई भी जो है इनपुट कंज्यूम नहीं करता। अगर आप बुक पे भी पढ़ें तो बुक के जो है वो आप लोगों के पास जहाँ पर नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि विदाउट इनपुट। तो ज़ीरो ही इनपुट आएगा अगर विदाउट पे चलेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। फ्लेक्स जनरेटर लेक्सिकल एनालाइजर इन, इसका मुझे आइडिया नहीं है। फ्लेक्स जनरेटर जो है वो किस में होता है, इसको बुक पे देखते हैं। बुक में सही नहीं है ये। सी और सी प्लस प्लस, तो सिंपली इसका जवाब यही होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, आई कैन प्ले लाउड। इन प्रेडिक्टिव पैरेसिंग टेबल
रोज आर प्रेडिक्टिव और नॉन प्रेडिक्टिव पेरिसिंग टेबल्स होते हैं कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो जो प्रेडिक्टिव पेरिसिंग होती है इसके अंदर जो रोज होती हैं वो टर्मिनल होती हैं। बट इस पे मुझे डाउट है, आप लोग जो है वो इसको सर्च करके मुझे बताइएगा। इसका तो DFA टू NFA है। द डैश इज कन्वर्टेड इनटू अ डैश यूजिंग द सबसेट कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर। सबसेट कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम लोग अपने डायग्राम को जो है वो सबसेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। सबसेट्स में कन्वर्ट करने का मतलब ये होता है कि एक बहुत बड़ी डायग्राम है, उसके कुछ जो ट्रीज के कुछ रूट्स जो हैं उनको अलग अलग कर लें और जो उसको मिनिमम रूट है उसको कर लें, मतलब कि मिनिमम उसको मिनिमाइज कर दें जो एक्चुअल आपके पास ट्री है। तो ये NFA टू DFA ही है। अगर मैं आपको यहाँ से भी दिखाऊँ तो देखेंगे ये लिखा हुआ है NFA इज कन्वर्टिंग इस टू DFA यूजिंग सबसेट कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर या पेरिसिंग टेक्निक, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग ग्रामर, ग्रामर उन्होंने एक बताई हुई है, तो इसमें डी की वैल्यू द फर्स्ट ऑफ डी इज TE है या F है, तो E जो है वो G है और F है G F और E। अब आप लोगों को अगर ऐसे MCQs आ जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोग MCQ सॉल्व करवाना चाहते हैं विद 100% रिजल्ट के साथ, 90 to 100% रिजल्ट के साथ, आप लोग जो है वो मुझे ईमेल कर सकते हैं या मुझे आप लोग जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं 03204702032 नंबर पर, या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं shakha5363@gmail.com। तो आप लोगों के पास डी लैंग्वेज है, डी के आगे दो लैंग्वेज हैं ई और एफ। अगर ई और एफ को देखा जाए तो ये जी एफ और ये निकलता है बिलोंग्स टू वाला साइन इसको कहते हैं, तो इसका आंसर 100% जो है वो यही होगा, ठीक है। इसको सेव कर दिया हमने, चलते हैं अब नेक्स्ट क्विज की तरफ। अ सीक्वेंस ऑफ इनपुट करेक्टर्स डेट कंपेरिज अ सिंगल टोकन इज कार्ड। हाँ जी, तो इसका जवाब जो है वो मैंने लेक्चर लगाया है, ये मैंने गूगल से सर्च किया है, ठीक है। पेरिजर एंड स्कैनर आर द कंपोनेंट्स ऑफ, ये जो आपके पास कंपोनेंट्स है अगर मैं आपको बुक से भी ले जाऊं इसकी डायग्राम पर तो आप लोग देखेंगे कि ये डायग्राम जो है वो फर्स्ट चैप्टर में ही बनी हुई है। ये देखें, ये है, ये देखें यहाँ पर ही। ये तो एक्चुअली फ्रंट एंड को उन्होंने ओपन करके दिखाया हुआ है ना, जो एक्चुअली डायग्राम है वो ये है, फ्रंट एंड IR और बैक एंड। तो पेरेजर और स्कैनर जो होते हैं वो आपके पास फ्रंट एंड के अंदर ही मौजूद होते हैं, ठीक है। तो हरी अप। इन डैश सर्टेन चेक्स आर परफॉर्म टू इंश्योर द कंपोनेंट्स ऑफ प्रोग्राम फिट टुगेदर मीनिंगफुली। और इसके अंदर स्टूडेंट्स आप लोगों के पास आएगा, अगर आप लोगों के पास मीनिंगफुली अगर आप करना चाहते हैं तो वो आप लोगों के पास जो है वो सेमेंटिक एनालिसिस आता है। फिर वही आ गया, आप इसमें से क्या फाइंड करना है जी, बी फाइंड करना है। बी के आगे एक तो सी छोटा है खुद वाला और एक बड़ा सी है जिसके अंदर फिर बी और सी ही आता है। तो देख लेते हैं जी इनमें से ऑप्शन कौन कौन से हैं। बी सी इज
अगर तो देखें यहाँ तो बी होना चाहिए तो सी होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम इससे ऊपर भी जाएं तो इसके अंदर बी का जिक्र जो है वो इन्होंने किया तो हुआ है, तो बी के अंदर ये सी आता है या ये वाला सी आ जाता है, तो इसके अंदर से फिर बी सी आता है, फिर बी सी, तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए मैं जो है वो डॉलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इन द ट्रांजिशन टेबल ऑफ एन नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनेटा या डिटर्मिनिस्टिक फाइनेटा, ईच एंट्री इज अ सेट ऑफ स्टेट। तो अगर हम देखें तो जो आप लोगों के पास स्टेट्स हैं वो DFA और NFA दोनों में ही होती हैं, फॉर ईच लैंग्वेज टू मेक LL1 ग्रामर वी मेक टू स्टेप, फर्स्ट इज रिमूविंग लेफ्ट रिकरेंस एंड सेकेंड इज अप्लाइंग द लेफ्ट फिक्टर सीक्वेंस। जी तो आप लोग मुझे गेस करके बताएं कि सबसे पहले हम लेफ़्ट को रिमूव करेंगे, राइट को, मिडिल रिकरेंस को कि टॉप रिकरेंस को। तो मैं तो लगाने जा रहा हूँ जी टॉप रिकरेंस। द डैश इंश्योर द सेंटेंस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मेक अप अ प्रोग्राम बिट ऑफ सिंटैक्स ऑफ लैंग्वेज। पैरेसर का आई थिंक ये काम है, फिर भी मैं इसको कंफर्म करता हूँ। तो पैरेसर के अंदर जो है वो दो पार्ट होते हैं जो कि करते हैं इसको, तो उसका जो पार्ट है वो पहला आता है स्कैनर, फिर आता है कंपाइलर, तो इसीलिए मैंने स्कैनर लगा दिया। द सिंटैक्स ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस ड्राइव्ड हैविली फ्रॉम तो अगर आप लोग जो है वो लैंग्वेज के आने की देखें जो प्रोसीजर है, तो सी और सी प्लस प्लस से पहले जो आपके पास लैंग्वेज आई थी वो आपके पास थी एल्गोल 60। द डैश may also improve space storage and power consumption। तो अगर हम देखें डायग्राम को तो डायग्राम में हमारे पास तो फ्रंट एंड आता है, एक बैक एंड आता है और मिडल एंड आता है। तो ज़्यादातर जो स्पेस स्टोरेज है वो मिडल एंड ही है, बल्कि 100% यही श्योर है, आप लोग बुक से में भी सर्च करके देख सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग ग्रामर, तो वाई सी और जेड, मतलब कि वाई जो है वो आपके पास इक्वल होगा सी, और अगर जेड को देखें तो जेड इक्वल है ई। Z is equal to है E, तो लेफ्ट जो आपके पास LR पैरेसिंग होती है वो रिड्यूस करती है स्ट्रिंग को। नेक्स्ट फल हरी अब जल्दी जल्दी करें, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जा रही है। इफ़ आ ग्रामर हैज़ मोर देन वन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन फ्रॉम अ सिंगल एसेंशियल फ्रॉम मोर देन वन डेरिवेशन,
तो इसका आप लोगों के पास आएगा एम्बिगुअस ग्रामर, 100% श्योर है ये। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी, लेक्सिकल एनालाइजर जनरेट, जो जनरेट करता है ये जावा के लिए, जो जनरेट करता है वो जिलेक्स है, 100% श्योर है ये भी। टिपिकल कंपाइलेशन मीन प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज बाय बाय, या तो ऑब्जेक्ट कोड है या फिर मशीन कोड है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो ऑब्जेक्ट कोड का ही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी, हरिया कंसीडर द फॉलोइंग ग्रामर, इसमें से जो है वो हमने ई को फाइंड करना है। ई जो है वो जी और इसके इक्वल ही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट लेक्सिकल एनालाइजर, इट जनरेट एफिशिएंट टोकन ऑटोमेटिकली, इट जनरेट नॉन एफिशिएंट डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली, इट जनरेट पेरिस ट्री, इट जनरेट, मुझे लगता है आई थिंक नॉन एफिशिएंट होगा। इफ द लेफ्ट राइट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्शन के सिंबल, तो इसकी प्लेस होल्डर पोजीशन क्या होगी, तो ये के प्लस वन होगी। डैश रेफर्स टू अ लैंग्वेज जनरेटेड बाय ए, वेयर ए इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन को किससे डोनेट किया जाता है, इंटरनेट पे देखते हैं जी। रेगुलर एक्सप्रेशंस डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय, तो कहते हैं जी इससे डोनेट करते हैं जी। मैंने भी यही पढ़ा है, इसी से डोनेट करते हैं। तो क्विज में ये क्या कह रहा है जी, LAMAN, फिर एल से कर देते हैं क्योंकि ये एक लैंग्वेज है। हाँ जी, हाँ जी, एल से ही करेंगे, याद आ गया। डैश ऑलवेज गिव आर ट्री लाइक स्ट्रक्चर एज आउटपुट, पैरेजर ही बेस्ट ऑप्शन है 80%, तो इसी को ही करते हैं। इसको ज़रा ऊपर करो। विच वन इज नॉट द रोल ऑफ रन टाइम सिस्टम, नॉट द रोल ऑफ रन टाइम सिस्टम, इसको तो देखना पड़ेगा जी। ये रोल ऑफ रन टाइम सिस्टम लिखे हुए हैं, तो इनमें जो है वो सिंटेक्स एनालिसिस नहीं है। डैश एल्गोरिथम इज यूज टू DFA मिनिमाइजेशन, ये आपके पास है हॉपक्रॉफ्ट एल्गोरिथम, 100% श्योर है ये भी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, डैश पैरसिंग इज मोर जर्नल देन डैश पैरसिंग, इसके अंदर आएगा जी बॉटम अप टू टॉप डाउन पैरसिंग, ये भी 100% श्योर है जी। फाइनली वी आर इन द लास्ट MCQs, द डैश इज ऑप्टिमाइज फॉर हार्डवेयर ऑन विच इट इज टू रन जी, तो इसका आंसर है असेंबली कोड जी। यहाँ पर हमारे क्विजेस होते हैं ख़त्म, और कम से कम जो है वो जिस स्टूडेंट के मैंने क्विज किए हैं, इसकी 30 में से 25+ मार्क्स हैं, और 90% जो है वो रिजल्ट की रेशियो बनती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी जो है वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करेंगे और इस तरह की वीडियो देखते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।